بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز سامعین بزرگوں نوجوانوں پیارے عزیز بچوں آج پورا عالم اسلام عید الاضحیٰ عید قربان کی خوشیاں منانے کے اندر مشغول ہے اور خوشی بھی کیوں نہ منائے یہ خوشی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے اور نعمت کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے اور خوش ہونا چاہیے آج کا جو دن ہے یہ عالم اسلام کے لیے بڑا ہی عظیم اور بڑا مبارک دن ہے آج کا دن پورے عالم اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کراتی ہے جد امجد حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی امتحانات لیے اور امتحان کا سلسلہ بچپن سے شروع ہو کر بڑھاپے تک چلتا ہی رہا
तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर यूं बयान किया, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम को चंद चीजों के अंदर मुबतला किया। चंद चीजों के अंदर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम का इम्तिहान लिया। अल्लाह ने फरमाया फअतम्महुन्ना, इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम उस इम्तिहान में पूरे निकले, उस इम्तिहान में कामयाब हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम के इम्तिहान की तफसील ये कोई घंटे दो घंटे सात दो सात के अंदर कोई बयान नहीं कर सकता। दरअसल ये कुर्बानियों का महीना है। और मजहबे इस्लाम नाम है कुर्बानी का। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम से फरमाया इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब अल्लाह ने फरमाया कि सरापा फरमा बरदार और सरापा इताअत गुजार बन जाओ। असलम के माने सरापा मुसलमान बन जाओ। मुसलमान किसे कहते हैं? जो फरमा बरदार हो, इताअत गुजार हो, उसकी जिंदगी का मकसद ही इताअत और बंदगी हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलात व सलाम ने क्या फरमाया? قال اسلمت لرب العالمين, इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सरापा फरमा बरदार और सरापा मोती और इताअत गुजार रब्बुल आलमीन के लिए बन गया। इम्तिहान का सिलसिला जो बचपन से शुरू हुआ मां के गहवारे से, मां के पेट से, वो इम्तिहान चलते चलते, इम्तिहान का सिलसिला चलते चलते जवानी से गुजर कर बुढ़ापे में आया। जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे के अंदर बेटा को अल्लाह से मांगा, अल्लाह की भी अजीब शान है, अल्लाह बेनियाज जात है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज जात है, उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे कोई परवाह नहीं। वो देने पर आए तो नाफरमानों को दर्जनों अता फरमा दे, अता करने पर आए तो अपने नाफरमानों को, अपने बागियों को दर्जनों अता फरमा दे, और ना देने पर आए तो अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलात वस्सलाम जैसे मुकर्रब पैगंबर को भी औलाद से महरूम कर दे। जवानी खत्म हो गई, जवानी का आलम खत्म हो चुका है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं। बुढ़ापे के अंदर मांगा, अल्लाह तबारक व तआला ने बारगाहे इज़्ज़ती के अंदर दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने एक हलीम और बुरदवार बेटे की बशारत दे दी। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, एक बुरदवार और हिल्म की सिफत से बाबिस्ता फर्जंद अर्जुमंद की बशारत दी।
बुढ़ापे के अंदर अता फरमाया, और अता फरमाने के साथ साथ ही कहा कि ये इम्तिहान का पर्चा भी है, इसे हल करो। औलाद दिया, कहा कि इसे प्यार नहीं कर सकते। इसे प्यार नहीं कर सकते, इसे बोसा नहीं दे सकते। औलाद एक खुशबू है, इसे सूंघ नहीं सकते। इसे अपने सीने से लगा नहीं सकते। ये कितना बड़ा इम्तिहान है कि एक तो बुढ़ापे में मांगने पर, अल्लाह के सामने दस्त सवाल करने पर अल्लाह ने अता भी फरमाया, और ये इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। और आखिर आखिर के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो इम्तिहान लिया, और ऐसा इम्तिहान लिया कि जिसको इम्तिहान लेने वाले ने खुद कहा कि ये बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान लेने वाला खुद कहे कि ये बड़ा इम्तिहान है, तो अंदाजा लगाइए कि उस इम्तिहान से बड़ा कोई इम्तिहान हो सकता है। अल्लाह की जात सबसे बड़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, और वो बड़ा अल्लाह जो बड़ा है वो खुद कह रहा है इन हाजा लहुवल बलाउल मुबीन, कि ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। उस इम्तिहान का अंदाजा लगाइए, वो इम्तिहान क्या था? वो इम्तिहान यही था कि अपनी महबूब चीज, सबसे ज्यादा जो महबूब और पसंदीदा चीज है, जो मरगूब चीज है, उसको मेरे रास्ते में कुर्बान करो, मेरे नाम पर कुर्बान करो। किताबों के अंदर ये तफसील लिखी है कि तीन दिन मुसलसल ख्वाब आते रहे, रोजाना 100 ऊंट कुर्बान किए, ख्वाब का सिलसिला बंद नहीं हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मरगूब और महबूब चीज हमारी जो है वो मेरी औलाद है। अल्लाह को इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मतलूब है। फिर क्या था? राजदाना तरीके से और शफकत के लहजे में अपने बेटे फरजंद अर्जुमन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माजा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैं देखता हूं कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं। सआदतमंद और नेक बख्त बेटे का जवाब समाअत फरमाइए कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब दिया। قال يا ابت افعل ما تؤمر, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप उससे बिल्कुल कर डालिए, आप उसे अंजाम दे दीजिए। बात नहीं है, अगर मेरी तरफ से मशवरा है, इजाजत है, तो आपको इजाजत है। बाप ने ख्वाब का इजहार किया और बेटे ने रजामंदी का इजहार कर दिया। उलमा किराम ने बड़ी बारीक बात लिखी है, बड़ी बारीक बात लिखी है तफसीर की किताबों के अंदर कि सआदतमंद फरजंद इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब ये रहती दुनिया तक के औलाद के लिए और नौजवानों के लिए इबरत है, और उसके लिए एक समक आमोस वाकया है। हर नौजवान को चाहिए और हर औलाद को चाहिए कि अपने बाप का, अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बने, जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालदैन की फरमाबरदारी का सबूत दिया।
कि हर औलाद हर नौजवान अपने वालदैन का मां बाप का फर्मा बरदार बने। और कुरान पाक के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूके वालदैन के बारे में कुरान के अंदर भी ताकीदात आई हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर भी बड़ी ताकीद फरमाई है। आज के माशरे के अंदर और आज के समाज के अंदर ये बुराइयां बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। ये बुराइयां बड़ी तेजी के साथ जन्म ले रही है कि नौजवान और औलाद अपने मां बाप के साथ उनका बर्ताव और सुलूक और मां बाप के साथ उनका रवैया बजाय हुस्ने सुलूक के बजाय अच्छे बर्ताव के बदसुलूकी और खराब बर्ताव जैसा मामला होता जा रहा है। जबकि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सारी कायनात के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उकूकुल उम्महात, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मां की नाफरमानी को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अंदाजा लगाइए कि मां की नाफरमानी, बाप की नाफरमानी, मां से बेजारी, बाप से दूरी किस हद तक आज की औलाद और आज के नमाज और आज के नौजवान इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये जवाब, या अबतिफ अल मा तू उमर, ये सादतमंद बेटे का जो जवाब है, ये हमारी और आपकी अकल के दरीचे को खोल देने वाली है कि आज का मुआशरा किस तबाही की तरफ जा रहा है और किस बर्बादी के दलदल के अंदर ये मुआशरा पहुंचता जा रहा है। ना अपने बड़े का ख्याल है, ना अपने घर के बड़ी बूढ़ियों का ख्याल है, ना अपने घर के बड़े बूढ़ों का ख्याल है, ना फरमानियों का, मां बाप की नाफरमानी, मां बाप के हुक्म की उदूली बड़ी तेजी के साथ आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्त बढ़ता जा रहा है। होम ओल्ड लोग भेजते जा रहे हैं, ओल्ड होम लोग भेज रहे हैं, मां बाप एक बोझल हो गया है, मां बाप एक भारी बन चुका है। जबकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मां बाप की फरमाबरदारी औलाद के लिए जन्नती होने का मजबूत जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिजल रब फी रिजल वालिद व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिद, रब की खुशी बाप की खुशी के अंदर है और रब की नाराजगी बाप की नाराजगी के अंदर है। एक शख्स नमाजी है, नमाज पढ़ता है, लेकिन घर में मां नाराज है, घर में बाप नाराज है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मां बाप की नाफरमानी उसे जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम तक उसे पहुंचा देगी। यही मतलब है इस्माइल अलैहिस्सलाम के जवाब का, या अबतिफ अल मा तू उमर का। क़यामत तक आने वाले एक एक फर्द और एक एक औलाद को ये सबक दिया है और एक एक फर्द और एक एक औलाद को ये सबक आमोज बताया है और ये नसीहत की है कि औलाद को अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से वक्त गुजारना चाहिए, उनका मामला उनका बर्ताव क्या होना चाहिए। एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सलासतुन,
सलासतुन ला यदखुलून अल जन्नत, कि तीन शख्स ऐसे हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वो तीन शख्स हैं, उनमें से पहला शख्स उकूकुल वालदैन, कि माँ बाप का नाफरमान, जन्नत के अंदर उसका दाखिला नहीं होगा। और दूसरा है वद्दयूस, कि दयूस जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। दयूस कहते हैं बेगैरत को, बेशरम इंसान को, बेगैरत इंसान को दयूस कहा जाता है, जिसको हम अपनी जबान में, अगर मादरी जबान में कहें तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो अल्फाज जबान से निकलना नहीं चाहिए। दयूस कहते हैं कि अपनी महरम, अपनी हरम की, अपने बीवी की बेशर्मी के ऊपर वो खुश होता हो, बीबी की बेशर्मी और बीबी की बेगैरती के ऊपर वो खुश होता, वो दयूस है। मैं वो अल्फाज अपनी जबान पर लाना नहीं चाहता, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो मेरे महत्व देखो दोस्तों, दयूस जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। और दयूस का एक माना यह भी लिखा है लोगत के अंदर, दयूस का एक माना यह भी लिखा है कि जो अपनी बीवी की कमाई खाने वाला हो, अपनी बीवी की कमाई खाने वाला हो। लोगत में एक तर्जुमा दयूस का यह भी है। तो मेरे महतरम बुजुर्गो दोस्तों, दूसरा शख्स जो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा वो दयूस है, और तीसरा शख्स जिसका दाखला जन्नत के अंदर नहीं होगा वो वर रिजला है। रिजला कहते हैं कि औरतों की मुशाबहत, मर्दों की मुशाबहत करने वाली औरत, मर्दों की मुशाबहत, मर्दों की शक्ल सूरत बनाने वाली औरत, वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगी। तो मेरे महतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये तीन शख्स ऐसे हैं जो जन्नत के अंदर, जिसका दाखला नहीं होगा। उनमें से एक शख्स वालदैन का नाफरमान भी है। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम अपने घर के बड़ों का, घर के बूढ़ों का, अपने माँ बाप का खास ख्याल रखें। ये बीमारी उम्मत के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो फरमा बरदार बेटा अपनी बाप की तरफ नजरे रहमत से देखता है, उसे एक हज मबरूर का सवाब उसके नामे आमाल के अंदर लिखा जाता है। कितनी बड़ी फजीलत है, यानी जो सवाब एक हज मबरूर का, जो हज मकबूल का सवाब है, फरमा बरदार और इताद गुजार, खिदमत गुजार औलाद जो अपने माँ बाप की तरफ नजर रहमत से सिर्फ देख ले अपने वालदैन को, सिर्फ देखने पर इतना बड़ा सवाब कि नामे आमाल के अंदर एक हज मबरूर का सवाब लिखा जाए, तो जो माँ बाप की खिदमत करता होगा, अंदाजा लगाइए कि उसका कितना बड़ा मुकाम होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आज के इस खुतबे से और आज के इस ईदगाह के मिंबर से आप हजरात तक ये पैगाम और ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, और आप हजरात को ये कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी वजह कर अपने और अपने माँ बाप को अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उनसे माफी मांग लो, उनको खुश कर लो, उनको राजी कर लो, उनके कदमों में गिर जाओ, उनके पेशानी को बोसा दो। एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। हम जन्नत को कहाँ तलाश कर रहे, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरी माँ नाफरमान है, अगर माँ मेरी नाराज है, तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, क्या हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे?
नहीं बन सकते, जन्नत के हम जन्नत से महरूम हो जाएंगे। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त हो चुका है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आजमाइश और कुर्बानी वाली जिंदगी है, और इस्लाम नाम है कुर्बानी का। इस्लाम जिंदगी के अंदर कुर्बानी से आएगा। कल भी इस्लाम दुनिया के अंदर कुर्बानी से फैला था और कुर्बानी से इस्लाम जिंदगी के अंदर दाखिल हुआ था, और आज भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और कयामत तक इस्लाम की जिंदगी के अंदर आने का और इस्लाम की जिंदगी के अंदर बाकी रहने का जो काम है वो कुर्बानी है, कि जितनी कुर्बानियां हम देते चले जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें उतना पक्का और सच्चा हमें मुसलमान बनाता चला जाएगा। किताबों के अंदर लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर तफसीर, लफ्ज इब्राहिम की अगर तफसीर देखनी हो तो उसका तफसीर कुर्बानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तफसीर ही कुर्बानी है, उसकी पूरी जिंदगी कुर्बानी कुर्बानी है। इसीलिए ये जानवर की कुर्बानी दरअसल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मकसद जो है गोश्त खाना नहीं है, मकसद गोश्त खाना या खून बहाना मकसद नहीं है। अल्लाह को न तो खून पहुंचता है न गोश्त पहुंचता है, अल्लाह तो दिल के अहवाल को देखता है कि किस जज्बे के साथ, किस फिनायत के साथ और किस ईसार के साथ हम कुर्बानी करते हैं। तो आज जो हम कुर्बानी करने के लिए, हम अभी नमाज के बाद जो कुर्बानी का अमल हम करने के लिए जाएंगे, हम इस जज्बे के साथ कि ए अल्लाह, आज तूने जानवर की कुर्बानी मांगी है, अगर तू जान की भी कुर्बानी मांगेगा तो हम अपनी जान भी लेकर आपके नाम पर हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज का तरीका और नमाज की नीयत सुन लीजिए। नमाज की नीयत है, नीयत करता हूं मैं दो रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब की छह जायद तकबीर के साथ खास वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, नियत बांध लेंगे, नियत बांध कर सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद तीन तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे। तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेंगे, इमाम साहब तिरत करेंगे, रुकू और सजदा होगा, एक रकात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकात में आ गए, दूसरी रकात में पहले इमाम साहब तिरत करेंगे, उसके बाद तीन तकबीर कही जाएगी जिसमें हाथ छोड़ देंगे। रुकू से पहले किरत के बाद तीन तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तीन तकबीर में हाथ छोड़ देंगे, और चौथी तकबीर हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाएंगे। ये रुकू की तकबीर है। बकिया नमाज जिस तरीके से पूरी होती है वैसे पूरी करेंगे। सब बंदी फरमा लें। जगह खाली न रहे। सफों की दुरुस्तगी जिस तरीके से मस्जिद के अंदर है उसी तरीके से सफों की दुरुस्तगी यहां भी है। बीच में दरमियान में जगह खाली ना रहे। जब तक आप सब दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक बात मुझे अर्ज करनी थी, वो कह देता हूं कि मस्जिदों के अंदर भी नमाज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज मस्जिद नबवी से निकलकर ईदगाह के अंदर पढ़ी है।
मस्जिद नबवी जिसके अंदर एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर है, लेकिन ईद और बकरीद की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह के अंदर पढ़ी है। हमारे यहाँ मस्जिदों के अंदर भी नमाज होती है, नमाज करें, मैं मना नहीं करता, लेकिन उम्मत के अंदर इसको बड़ी गौर से सुनिएगा, ईद और बकरीद इसी तरीके से जुमा की नमाज, ये दरअसल मेरे मुझे दोस्तों अल्लाह को उम्मत का इज्तिमाईयत और अल्लाह को उम्मत की अक्सरियत बड़ी पसंद है। अगर आप ईद की नमाज मस्जिदों के अंदर कर रहे हैं और ईदगाह के वक्त से पहले कर रहे हैं, बात असल ये है, अगर ईद और बकरीद की नमाज ईदगाह के वक्त से आप पहले कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मत का इज्तिमाईयत पसंद है आप उसको तोड़ने वाले बन रहे हैं, आप इज्तिमाईयत का शिराजा बिखेरने वाले बन रहे हैं। इसलिए आप ईद की नमाज करें, इस सिलसिले में उलमा ने, अकाबिर उलमा ने बड़ी सख्त डांटा है कि जो ईद की नमाज ईदगाह के वक्त से पहले मस्जिदों के अंदर कर लेते हैं वो इज्तिमाईयत के तोड़ने का गुनाह का सबब बन रहे हैं। वो हमारे यहाँ 7 बजे नमाज है, नमाज 6:30 बजे हो रही है, 7:45 बजे हो रही है, तो फिर ईदगाह का मतलब क्या रह जाता है, उम्मत की इज्तिमाईयत का मतलब क्या रह जाता है। जो पसंदीदा अमल है अल्लाह और अल्लाह के नज़र उम्मत को इज्तिमाईयत की शक्ल के अंदर देखना चाहते हैं, हम इज्तिमाईयत को तोड़ रहे हैं। सफ़ें दुरुस्त हो गई, नमाज शुरू हो रही है। صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے اللہ پروردگار عالم ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں مجرم ہیں سیاہ کار ہیں یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین خطاؤں کو درگزر فرما اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اعمال سیئہ سے ہم تمام لوگوں کی پوری پوری حفاظت فرما یا الہ العالمین رحم فرما کرم فرما عافیت اور سہولت کا معاملہ فرما یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ زندہ رکھنا جب موت دینا ایمان پہ موت عطا فرمانا یا الہ العالمین مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری اور ساری فرما دینا
या इलाह अलालमीन या अकरम अकरमीन मुनकर नकीर के सवाल जवाब में मदद फरमाना। या इलाह अलालमीन हश्र की रुसवाई से बचा लेना और बगैर हिसाब किताब के जन्नत फिरदौस में पहुँचा देना। या इलाह अलालमीन या अकरम अकरमीन बंदा गुनहगार है, रब बख्शने वाला है। या इलाह अलालमीन या अकरम अकरमीन तू हम तमाम लोगों की मगफरत फरमा, हमारे मरहूमीन अकाबिर। या इलाह अलालमीन छोटे बड़े असलाब जो भी दुनिया से गुजर चुके हैं सब की मगफरत फरमा। या इलाह अलालमीन सबके कब्रों को नूर से भर दे, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबके कब्रों में आफियत और चैन अता फरमा। या इलाह अलालमीन सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन उम्मत की हाल पर रहम फरमा, उम्मत की सही रहबरी फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन सबको नमाजी बना, पंज वक्ता नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमारी औरतों को भी बच्चों को भी या इलाह अलालमीन जुमला मोमिनीन मोमिनात सबको पंज वक्ता नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन बेनमाजी की नहूसत से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन हमारी नमाजों को बे इंतहा कबूल फरमा। बहुत से लोग बीमार हैं, दुआओं के लिए कहा है, सबको शिफाए कामला अजला मुस्तमिरा अता फरमा। सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबके हालात को दुरुस्त फरमा। या इलाह अलालमीन बहुत से लोग मकरूज हैं, उनके कर्जे की अदायगी की गैब से शक्ल पैदा फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन बहुत से लोगों ने अपने अपने मकसद और अपने अपने इरादे के लिए दुआओं के लिए कहा है, या इलाह अलालमीन सबके जायज़ मकासिद को पूरा फरमा, सबके जायज़ अजाइम को पूरा फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन बहुत सारे हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो असरी तालीम के अंदर या इलाह अलालमीन कोशिश और मेहनत के अंदर लगी हुई है और लगे हुए हैं, या इलाह अलालमीन सबको इम्तहान के अंदर आला नंबरात से कामयाबी अता फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन उनके माँ बाप की जो इरादे हैं, या इलाह अलालमीन तो उनके इरादे में कामयाबी अता फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन बहुत सोने दुआओं के लिए कहा है, कहना चाहते थे ना कह सके, या जिनका हमारे ऊपर हक है सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा, जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा, हलाल रिस्क अता फरमा, हराम रिस्क से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। जज्बे ईसार और जज्बे फिनायत और जज्बे हमदर्दी के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। या इलाह अलालमीन हमारी कुर्बानी को बे इंतहा कबूल फरमा, पुल सरात पर सवारी का काम बना दे, सवारी का काम आने वाला बना दे। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन तू नियतों को देखता है, या इलाह अलालमीन तू हमारी नियत के अंदर खुलूस लिल्लाहियत अता फरमा। या इलाह अलालमीन रिया और नमूस से हम तमाम लोगों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या इलाह अलालमीन हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा। या इलाह अलालमीन बदअमनी से, फितना और फसाद से, लड़ाई और झगड़ा से हमारे मुल्क की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या इलाह अलालमीन भाईचारगी, मोहब्बत, उखुवत, या इलाह अलालमीन मिलजुल कर रहना, या इलाह अलालमीन और मोहब्बत के साथ रहना, या इलाह अलालमीन इस मुल्क का जो शिवा रहा है, या इलाह अलालमीन वो फिर से वापस लौटा दे। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन नफरत से और नफरत लोगों और ऐसे नफरती लोगों से मुल्क की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या इलाह अलालमीन जालिमों को जुल्म से रोक दे और मजलूम की मदद फरमा, पूरे पूरी दुनिया की या पूरे आलम इस्लाम की या इलाह अलालमीन हिफाजत फरमा। या इलाह अलालमीन खुसूसन फलस्तीन की और अहले फलस्तीन की हिफाजत फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन वो कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, या इलाह अलालमीन वो ईमान का वो आला नमूना पेश कर रहे हैं, या इलाह अलालमीन हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। या इलाह अलालमीन हमारी दुआ उनके हक में या इलाह अलालमीन कबूल फरमा, और तू उसे या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन फतह अता फरमा। या इलाह अलालमीन मजलूम को शिकस्त अता फरमा। या इलाह अलालमीन हक को फतह अता फरमा, बातिल को निस्त नाबूद फरमा। या इलाह अलालमीन या अकरमल अकरमीन रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा। या इलाह अलालमीन मौसम की हरारत को और शदीद गर्मी से पूरी मखलूक की खुसूसन इंसानियत की हिफाजत फरमा।
या इल्हा आलमीन अपने खजाने से माला माल फरमा, या इल्हा आलमीन गैब के खजाने से माला माल फरमा, वसअत और तवंगरी अता फरमा, फकर से या इल्हा आलमीन और मोहताजगी से और या इल्हा आलमीन जो कुछ मांगा है अपने गुमान के मुताबिक मांगा है तो अपने शान के मुताबिक अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल करम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर रहीम। الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اوصيكم ايها الناس اعلموا ان الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعه واوجب الاضحيه لطفا وكرامه فجعلوها براقا ومطيا ليوم الحسرة والنتامى روي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأزاهي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قال سنة أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنوا زحاياكم فإنها على الصراط متاياكم ولا تذبحوا أجفاف ولا أرجاء ولا أورى ولا مقطوعة الأذن ولا بواحدة فعن كل واحدة منكم شاة سواء كانت ذكرا أو أنثى أو سبع البقرة أو الإبل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبروا وأقيموا الصلاة المفروضة من فجر عرفة إلى عشر أيام التسريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله
رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأخذاهم علي وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيد نساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمزة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم احفظنا بيت المسجد الأقصى. اللهم احفظنا بيت المسجد الأقصى. اللهم احفظنا بيت المسجد الأقصى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.